नमस्कार दोस्तों, आज हम लोग भारत की नदियों के बारे में डिस्कस करेंगे। दोस्तों, भारत की नदियों के बारे में हम लोग दो वीडियो में डिस्कस करेंगे। पहले वीडियो में हिमालय की नदियाँ तथा प्रायद्वीपीय भारत की नदियों के बारे में डिस्कस करेंगे तथा दूसरे पार्ट में गंगा नदी, ब्रह्मपुत्र नदी तथा उसकी सहायक नदियों के बारे में डिस्कस करेंगे। तो चलिए पहले शुरू किया जाए दोस्तों। सबसे पहले देखा जाए कि भारत की नदियों को समझने के लिए दो पार्टों में विभक्त किया जा सकता है। पहला हिमालय की नदियाँ, दूसरा प्रायद्वीपीय भारत की नदियाँ। यानी जो नदियाँ जिनका उद्गम हिमालय से होता है उनको हिमालय की नदियाँ कहा गया था, तथा जिनका उद्गम भारत के ही अंदर होता है, भारत के किसी भी राज्य से, उनको प्रायद्वीपीय भारत की नदियों के अंतर्गत रखा गया है। चलिए देखा जाए कि हिमालय की नदियों में कौन कौन सी नदी आती हैं। मुख्य रूप से हिमालय की नदियों में गंगा, सिंधु, सतलज, ब्यास, झेलम, ब्रह्मपुत्र, गंडक, कोसी आदि, ये सभी नदियाँ हिमालय की नदियों के अंतर्गत आती हैं। इनका उद्गम हिमालय के ही आसपास से हुआ है। इसमें से पहला सबसे महत्वपूर्ण नदी है सिंधु। सिंधु नदी, इसकी लंबाई 2880 किलोमीटर है, जिनमें भारत में ही केवल 1114 किलोमीटर है। इसका उद्गम मानसरोवर झील के पास बोखरचू, एक ग्लेशियर है, हिमनद जिसको कहते हैं, वहीं से इसका उद्गम होता है और तथा यह जम्मू कश्मीर के राज्य से होते होते पाकिस्तान में प्रवेश कर जाती है। सिंध नदी की लंबाई 2880 किलोमीटर है, जबकि भारत में ही केवल 1114 किलोमीटर है। इसकी प्रमुख सहायक नदियों में सतलज है, झेलम है, चिनाब, ब्यास, रावी, जास्कर, गोमल, सियोक, गिलगिट, सिगार आदि, ये सभी इसकी प्रमुख सहायक नदियां हैं। इसको मैप में देखा जाए तो सिंध नदी का उद्गम मानसरोवर झील के पास एक बोखरचू ग्लेशियर है, यहीं से इसका उद्गम होता है। अगली नदी जो है वो है झेलम। झेलम का उद्गम बेरीनाग झील से होता है, जो जम्मू कश्मीर में है, तथा इसका अंत जो है चिनाब नदी में होता है। यानी यह झेलम नदी चिनाब नदी की सहायक नदी है। झेलम नदी का उद्गम बेरीनाग झील, जो जम्मू कश्मीर में है, उसी के पास से होता है तथा इसका अंत यह जाके चिनाब नदी में मिल जाती है, तथा इसकी लंबाई है 724 किलोमीटर और भारत में केवल 400 किलोमीटर है। मैप में देखा जाए तो यह कुछ इस तरह से है। अगली नदी है चिनाब नदी। दोस्तों, चिनाब नदी यह सिंधु नदी की सबसे बड़ी सहायक नदी है तथा इसका उद्गम हिमाचल प्रदेश से होता है तथा अंत सिंधु नदी में होता है। चिनाब नदी सिंधु नदी की सबसे बड़ी सहायक नदी है और इसका उद्गम हिमाचल प्रदेश से होता है तथा यह सिंधु नदी में आगे जाके मिल जाती है, यानी इसका अंत सिंधु नदी में है। इसकी लंबाई 1180 किलोमीटर है केवल भारत में। मैप में देखा जाए तो चिनाब नदी इस तरह से है। चिनाब नदी को चंद्रभागा कहा गया है, यानी चंद्रभागा इसकी दो सहायक नदियां हैं, एक चंद्र है और एक भागा। इसी के आधार पे हिमाचल प्रदेश में चिनाब नदी को चंद्रभागा भी कहा गया है। चिनाब नदी देखा जाए तो यह पीर पंजाल तथा बृहत हिमालय जो है उसी के बीच से यह प्रवाहित होती है। अगली नदी है सतलज। सतलज नदी का उद्गम राक्कस ताल से होता है तथा अंत चिनाब नदी में होता है। राक्कस ताल यह भारत के बाहर है, जो
मानसरोवर झील के पास पड़ता है, यानी सतलज नदी का भी उद्गम भारत के बाहर होता है तथा यह हिमाचल प्रदेश के सिपकीला दर्रा जो है वहीं से हिमाचल प्रदेश में प्रवेश करती है तथा आगे जाके यह चिनाब नदी में मिल जाती है। इसकी लंबाई है 1500 किलोमीटर, जिनमें भारत में ही केवल 1050 है। यह सतलज नदी जो है हिमाचल प्रदेश में जो सिपकीला दर्रा है वहीं से भारत में यह प्रवेश करती है तथा जो भाखड़ा बांध है भाखड़ा गांव के पास इसी नदी पर बना हुआ है। अगली नदी जो है वह है ब्यास। ब्यास नदी का उद्गम रोहतांग दर्रा है तथा अंत सतलज नदी है। लंबाई 470 किलोमीटर है। इसका भी उद्गम हिमाचल प्रदेश के ही रोहतांग दर्रा के पास से हुआ है। अब आगे देखा जाए प्रायद्वीपीय भारत की नदियाँ। प्रायद्वीपीय भारत की नदियाँ कौन कौन सी हैं, जिनमें प्रमुख हैं गोदावरी, कृष्णा, कावेरी, महानदी, नर्मदा, ताप्ती आदि। इस वीडियो में हम लोग इसी नदियों के बारे में डिस्कस करेंगे। आगे दूसरे वीडियो में गंगा, ब्रह्मपुत्र तथा इसकी सहायक नदियाँ तथा कुछ भारत की प्रायद्वीपीय भारत की जो नदियाँ हैं उसके बारे में डिस्कस करेंगे। इसमें प्रायद्वीपीय भारत की नदियों में केवल इन्हीं नदियों के बारे में डिस्कस करेंगे। अगली नदी है गोदावरी। गोदावरी नदी का उद्गम महाराष्ट्र के नासिक जिले से होता है तथा अंत बंगाल की खाड़ी में होता है। गोदावरी नदी को वेद गंगा भी कहा जाता है। तथा गोदावरी नदी जो है यह दक्षिण भारत की सबसे बड़ी नदी है, यानी कि गंगा नदी के बाद दूसरी सबसे बड़ी नदी गोदावरी नदी है और इसे दक्षिण भारत की सबसे बड़ी नदी भी कहा जाता है, जो महाराष्ट्र में नासिक जिले से इसका उद्गम होता है तथा अंत बंगाल की खाड़ी में होता है। अगली नदी जो है वो है कृष्णा नदी। कृष्णा नदी का उद्गम महाबलेश्वर से होता है। महाबलेश्वर जो महाराष्ट्र में है वहीं से इसका उद्गम होता है तथा अंत बंगाल की खाड़ी में होता है और इसकी लंबाई 1401 किलोमीटर है। अगली नदी जो है वो है नर्मदा। नर्मदा नदी का उद्गम मैकाल से होता है तथा अंत अरब सागर में होता है। मैकाल जो है यह एक पहाड़ी है जो मध्य प्रदेश में स्थित है। वहीं से नर्मदा नदी का उद्गम होता है तथा इसका अंत अरब सागर में। अरब सागर जो है भारत के पश्चिम साइड में, यानी नर्मदा नदी जो है इसका उद्गम बंगाल की खाड़ी में ना होके अरब सागर में इसका अंत होता है। इसकी लंबाई 1312 किलोमीटर है। और जो धुआंधार जलप्रपात है वो इसी नदी पर स्थित है, जो जबलपुर के निकट है। अगली नदी जो है वो है महानदी। महानदी का उद्गम छत्तीसगढ़ के सिवासा के पास से होता है तथा इसका अंत बंगाल की खाड़ी में होता है। तथा जो हीराकुंड बांध है इसकी लंबाई 815 किलोमीटर है तथा हीराकुंड जो बांध है इसी नदी पर स्थित है। अगली नदी है कावेरी। कावेरी नदी का उद्गम कर्नाटक से होता है तथा अंत बंगाल की खाड़ी में होता है। कावेरी नदी को दक्षिण भारत की गंगा भी कहा जाता है, यानी दक्षिण भारत की गंगा कावेरी नदी को ही कहा जाता है। इसकी लंबाई 800 किलोमीटर है। अगली नदी जो है ताप्ती।
ताप्ती नदी का उद्गम सतपुड़ा से होता है, सतपुड़ा पहाड़ी श्रेणी जो है वहीं से होता है तथा इसका अंत अरब सागर में होता है। इसकी लंबाई 700 किलोमीटर है। आगे देखा जाए अरब सागर में गिरने वाली नदी है, यानी कौन कौन सी नदी है जो बंगाल की खाड़ी में ना गिरती अरब सागर में गिरती है। जो अरब सागर वो गुजरात राज्य की तरफ है तथा बंगाल की खाड़ी जो है पश्चिम बंगाल उड़ीसा के आसपास है। तो देखा जाए कौन कौन सी भारत की नदियां हैं जो बंगाल की खाड़ी में ना गिर के अरब सागर में गिरती हैं, यानी उनका अंत अरब सागर में होता है। उनमें ये प्रमुख नदियां नर्मदा नदी, ताप्ती नदी, साबरमती नदी, लूनी नदी, घग्गर नदी, यानी ये प्रमुख नदियां हैं जो अरब सागर में गिरती हैं, यानी इनका अंत अरब सागर में होता है। तो दोस्तों आज के लिए बस इतना ही, मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।